नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। तो मतदान होना है और जौनपुर सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुका है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी का समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें कि जौनपुर सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा, तो वही इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव मैदान में है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, जो कि बसपा से प्रत्याशी बनाई गई थी, वही नामांकन करने के बाद नामांकन के आखिरी दिन उनका टिकट काट मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं पिछले कुछ दिन पहले धनंजय सिंह के समर्थक व धनंजय सिंह जो है बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन कल धनंजय सिंह अपने पैतृक आवास पर एक सभा की बैठक की और बैठक में धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन देने की बात कही है। हालांकि धनंजय सिंह के समर्थन मिलने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जौनपुर में 25 मई को मतदान है और यहाँ की जनता फैसला करेगी जौनपुर का सांसद कौन होता है। विवेक कुमार, इंडिया वॉइस, जौनपुर। बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। क्यों किया विरोध प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आवास पर पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का प्रकरण अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने PCR कॉल कर एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई, लेकिन जब से PCR कॉल की गई उसके बाद से ही ये मामला एक राजनीतिक मामला बन चुका है और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि भाजपा एक तरफ से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। जहां एक ओर भाजपा इस मुद्दे को दिल्ली में महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए देख रही है, वहीं दूसरी ओर आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की महिला इकाई ने CM आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न केवल नाराजगी जारी की बल्कि जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तहत दिल्ली में 25 मई को छठे चरण के तहत मतदान होने हैं और इससे पहले अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के भाजपा कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी हुई है और स्वाति मालीवाल के सहारे उन महिलाओं का वोट बैंक अपनी ओर बटोरने का प्रयास कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक अपनी ओर खींचा जा सके। लिहाजा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रकरण कुछ भी हो, लेकिन अब इस मामले में राजनीतिक एंट्री हो चुकी है और राजनीतिक माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में जंगलों की आग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख तैयार किया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी। आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उन्होंने राज्य सरकार को पर्याप्त धन मुहैया कराया या नहीं। ये भी पूछा गया है कि राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या किया आग बुझाने के लिए। खास बात ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा राठौड़ी को तलब किया है और ये कहा है कि वो शुक्रवार को व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हों। अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई दिख रही है, वहीं विभागीय अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। यात्रा को सुव्यवस्थित करने की तैयारी अब राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती के अलावा सचिवों की ड्यूटी धामों के लिए लगाई गई है, उस पर सचिवों को वहां पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से दिन में ये निर्देश दे गए थे, जिसके बाद उन्होंने सचिवों की तैनाती कर दी गई थी। उसके बाद यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में तीन बार अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव रहे आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से अब उत्तरकाशी की तैयारी वहाँ पर की जाएगी। उत्तरकाशी में कैंप किया जाएगा क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में आते हैं।
ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से भीड़ इस चारधाम यात्रा में उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है। उसके सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वाहनों की चेकिंग होगी और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन आगामी दिनों का है उन्हें यात्रा होल्ड करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि कुछ और कठोर निर्णय भी इस चारधाम यात्रा में लिए जा सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है जो अभी तक सुचारू रूप से चल रही है वो पटरी से न उतर न पाए और जो अव्यवस्थाएं फैली है उन अव्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा सके। कोशिश राज्य सरकार की पटरी की जा रही है। ये सब चीजें तब हुई है जब धामों में यात्रियों की भीड़ ज्यादा उमड़ने लगी है। पिछले 6 दिन की अगर हम बात करें तो धामों में 2 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और अब तक 26 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन बात करेंगे अगली खबर की। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा 73 के प्रत्याशी अशोक सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। कलेक्टर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया कि जब समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जो है जौनपुर सीट के उम्मीदवार अशोक सिंह ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय पहुंचे। हालांकि घंटों इंतजार करने के बाद अशोक सिंह के समर्थक व प्रत्याशी जो है अशोक सिंह जो है जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं जो है और सिटी मजिस्ट्रेट अशोक सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्होंने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। अशोक सिंह का आरोप है कि उन्हें सुरक्षा कर्मी नहीं मिली है। वहीं उनका कहना है कि सुरक्षा कर्मी ना मिलने से मेरे ऊपर कभी भी कोई घटना या हमला हो सकती है। हालांकि जो है अशोक सिंह की जो है ज्ञापन जो है डीएम अपने आप से बुला कर लिया और आश्वासन दिया कि उनकी जो है जल्द जो है मामले का निस्तारण किया जाएगा। अशोक सिंह का हंगामा देख जो है चर्चा का विषय बना रहा वो आसपास के थाने की पुलिस को भी जो है कलेक्टर परिसर में बुला ली गई। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। कानपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद मथुरा प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। राज्यों में और आज कानपुर में मिली ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकियों को लेकर मथुरा जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी वैसे तो प्रतिदिन फ्लैग मार्च करते हैं और फ्लैग मार्च करके तमाम श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा के मद्देनज़र चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं। उसी लिहाज से अब जो है जो धमकियां मिली हैं उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा में कहीं चूक ना हो उसको लेकर तमाम आला अधिकारी फ्लैग मार्च करते हैं। तमाम रेलवे स्टेशन पर चेकिंग होती है, कलेक्ट्रेट में चेकिंग होती है, कचहरी परिसर में चेकिंग होती है और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से नज़र रखी जाती है। मथुरा में तमाम मंदिर होने के मद्देनज़र और लाखों की भीड़ आने के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त रखता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद मथुरा। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में पर्यावरण प्रेमी आंदोलन की मुहिम शुरू हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। टीम पहुंची है खलंगा में। खलंगा देहरादून से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये डेन फॉरेस्ट का क्षेत्र है। डेन फॉरेस्ट क्षेत्र यानी जहां पर पूरी तरीके से पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ प्रकृति संरक्षण में है और इसे वो डेन फॉरेस्ट जिसकी पूरे रखाव का जिम्मा वन विभाग के पास होता है। ये साल का पूरा जंगल है। ये इसलिए इस समय चर्चा में आ रखा है कि यहाँ पर पेयजल विभाग का एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है। उस प्रोजेक्ट के चलते 2000 साल के पेड़ यहाँ पर काटे जाने हैं, यानी एक पेयजल का जो ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है वो यहाँ पर बनना है ताकि उस प्लांट के जरिए देहरादून के जो पेयजल की जो समस्या है जो निकट भविष्य में गंभीर होने वाली है उसका निदान यहाँ पर हो सके। इसलिए अभी समय रहते उस प्लांट को यहाँ पर लगाया जा रहा है जहां पर पानी का होगा, यहीं से पानी निकट भविष्य में देहरादून शहर के लिए सप्लाई होगा और इसके लिए एक बाकायदा यहाँ पर जगह चिन्हित की गई है। इस पर 2000 साल के पेड़ यहाँ पर कटना है और उसी का अब इन पेड़ों के कटने का जो विरोध है वो इन दिनों प्रदेश में सुर्खियों यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि इन फॉरेस्ट के क्षेत्र में जिस प्रकार से 2000 पेड़ एक साथ काटे जा रहे हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि सालों तक ये पेड़ ये जंगल बनने में यहाँ पर जो समय लगा था प्रकृति को संरक्षण देने का काम कर रहे थे
उस प्रकृति को बचाने का काम कर रहे थे, पर्यावरण को संतुलित करने का काम कर रहे थे, और अब एक साथ 2000 पेड़ काटने के चलते कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसी दूसरी जगह चिन्हित की जाए जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, क्योंकि जंगलों का कटान होना जरूरी नहीं है, जंगलों को सुरक्षित रखने का काम यहाँ पर होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं हर पेड़ पर एक नंबर भी लगा हुआ है, और उस नंबर के साथ एक रक्षा सूत्र जो कहते हैं जो धागा होता है, वो रक्षा सूत्र का धागा भी यहाँ पर लोगों की तरफ से बांधा गया है कि उनकी तरफ से पेड़ों की रक्षा की जाएगी, उन्हें काटना नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का हर उस विरोध का, हर उस आदेश का विरोध यहाँ पर किया जाएगा जिन पेड़ों को कटान के लिए कराया जा रहा है। तो हर उस चीज पर नंबर यहाँ पर रखा गया है। अभी ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इन पेड़ों के काटने से नंबर रखा गया है, कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, कब ये पेड़ काटे जाएंगे उसकी तिथि तो निहित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विरोध यहाँ पर हो रहा है वो सीधे तौर पर सरकार के लिए चिंता में बिठाया। अगर सरकार इसी तरीके से जंगलों के कटान की ओर ध्यान देती रही तो फिर जो आबादी वाले क्षेत्रों में जो पानी समस्या तो दूर होगी, लेकिन जो पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ेगा उससे उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, कहा इस बार लोकसभा चुनाव में गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है और बीजेपी संविधान बदल कर देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आज राजधानी लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के जो संविधान बदलना चाहते हैं और जिस तरह से आरएसएस चीफ मोहन भागवत यूपी के कई मंत्रियों का संविधान बदलने को लेकर बयान आया है, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ चुप्पी साधे रहते हैं। अगर संविधान बदला तो देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही किसान, नौजवान और बेरोजगारों का भला किया जाएगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों को 5 किलो राशन मिलता है तो उनकी सरकार बनने के बाद 10 किलो राशन दिया जाएगा। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी के रथ का पहिया फंसा नहीं, धस गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा किसानों पर थार चढ़ा जाने के मामले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि वह घटना अब भी किसान और यहाँ की जनता भूले नहीं है, इसका जवाब जरूर देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई बड़े प्रहार भी बीजेपी पर किए और दावा किया कि इस बार लोकसभा की यूपी में 79 सीटों पर गठबंधन की जीत होगी। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के इस बयान से लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ता है यह समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में शामिल होने की अनुमति दे दी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी अब मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी का 10 जून को विशेष प्रार्थना सभा यानी 40वां है, जिसमें शामिल होने के लिए कासगंज जेल में बंद सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी ने अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अब अब्बास अंसारी। बात करेंगे अगली खबर की। झांसी में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल वर्मा।
निर्वाचन 2024 के पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है, जिसमें झांसी ललितपुर सीट पर भी निर्वाचन होगा। आज यहां के प्रत्याशी, झांसी ललितपुर सीट के प्रत्याशी, भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा जी, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का झांसी आगमन हुआ है, जहां पर उन्हें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। पिछले बार जो लोकसभा चुनाव में अनुराग शर्मा विजयी रहे थे, जिन्हें लगभग कुल मतों में से 56% वोट मिला था, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो और अधिक वोटों से जीतेंगे। लगातार यहां पर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, आज मुख्यमंत्री भी आए हैं, लगातार यहां पे आगमन हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है। भाजपा के लिए बुंदेलखंड की झांसी सीट गढ़ मानी जाती है, जिसे सुरक्षित करना भाजपा के सभी पदाधिकारियों और मंत्रीगण का एक मेन मोटो माना जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रायबरेली लोकसभा में लगातार पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लोकसभा सीट लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। तो ऐसे में लगातार दिग्गजों का जमावड़ा रायबरेली में देखने को मिल रहा है और राजनीतिक सरगर्मी रायबरेली में उस वक्त बढ़ी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक बड़ा बयान साझा किया गया। बता दें कि जनता से उनके द्वारा साफ तौर पर अपील करते हुए कहा गया है कि रायबरेली की जनता हमेशा प्रधानमंत्री चुनने का काम करती है और राहुल गांधी को वोट देकर आप लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करिए। तो ऐसे में साफ तौर पर रायबरेली की गलियों में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लगातार बड़े बड़े दिग्गज, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों तरफ से चुनावी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज रायबरेली में शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री के द्वारा लोकल में जो राजनीतिक डैमेज है उसको भी सुधारने का प्रयास किया गया। तो साफ तौर पर रायबरेली में देखा जा रहा है कि राजनीतिक सरगर्मियां लगातार उछाल मार रही हैं और प्रियंका गांधी दूसरी तरफ रायबरेली में डेरा डालकर चुनावी सरगर्मियां तेज कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और अपने भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयान के बाद रायबरेली की राजनीति में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले पांचवें चरण यानी 20 मई को जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी और किसको रायबरेली की जनता चुनकर संसद भेजेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। कांग्रेस नेता ने दिल्ली सीएम और आप पर लगाए हैं गंभीर आरोप। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। के मतदान में कुछ ही दिन बाकी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से लेकर लगातार इन पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो बात की जाए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब के चरणजीत चन्नी ने आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया है। कहा है कि जिस तरीके से शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री 21 दिन के लिए बाहर आए हैं, तो लगातार इस पे हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से इन पे विश्वास किया जाए, जनता किस तरीके से इन पे विश्वास किया जाए, इसका हम स्वागत नहीं करते हैं, इनका विरोध करते हैं। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है 2 तारीख को दोबारा से तिहाड़ जेल में जाना होगा, लेकिन उसके बाद लगातार इन पर जो है घमासान छेड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार बात की जाए कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पंजाब के जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया और कहा है कि हम इसका स्वागत नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं। लगातार इसमें भारतीय जनता पार्टी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं बात की जाए स्वाति मालीवाल को, जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आकर जो है मारपीट की गई थी, तो उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी भी हमला बोल रही है। लेकिन उसके बाद लगातार अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाया गया है कि आखिरकार उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जांच में जो भी पहलू पाए जाते हैं उस पर जो तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत चन्नी ने जिस तरीके से ये आरोप लगाया इंडिया गठबंधन को देखते और कहा है कि इस तरीके का जो विरोध है वो चल रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखने को मिल रहा है कि शराब घोटाले मामले में आरोप को लेकर जनता पर किस तरीके का विश्वास वो जता रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि लगातार आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में किस तरीके की फूट देखने को मिल रही है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस।
बात करेंगे अगली खबर की। देश में पहली बार 24 मार्च 2024 को लागू सीए के तहत 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई और गृह विभाग के द्वारा उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। इस बार पर जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रियंका मिश्रा। 24 को लागू हुए सीए के बाद पहली बार भारत सरकार के द्वारा 11 शरणार्थियों को सीए की नागरिकता दी गई है। इसकी जानकारी 15 मई को सरकार के गृह राज्य विभाग के द्वारा दी गई है और 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के बाद आपको बता दें कि लंबे समय से सीए का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि माना जा रहा था कि सीए के साथ ही साथ जब एनआरसी लागू किया जाएगा तो कई राजनीतिक दलों ने इसे कहीं ना कहीं धर्म का ताना बाना बुनकर जनता के बीच इसे पहुंचाने का काम किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले से ही इसको लेकर कई कानून बने हुए हैं जिनके तहत भारत में आने वाले तमाम शरणार्थियों को लेकर भारत में उनकी नागरिकता को लेकर जांच की जाती है और उनके आधार पर उन्हें नागरिकता देने के साथ ही साथ तमाम नियम कानून का पालन किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 9 राज्यों के 30 सचिव को पहले इस बात का अधिकार प्राप्त था और यहाँ पर नागरिकता देने का काम किया जाता है, लेकिन मुख्यतः 4 राज्य सीए को लेकर विरोध कर रहे थे। सबसे पहले असम से इसके विरोध की शुरुआत हुई थी क्योंकि माना जा रहा था कि 1971 से पहले कहीं ना कहीं जो तमाम लोग भारत आ चुके हैं उन्हें नागरिकता को लेकर विरोध असम से उठना शुरू हुआ था और यही वजह है कि सीए को लेकर लंबे समय तक देश में सरकारों ने काम नहीं किया। उसके साथ ही आपको ये बता दें कि सीए लागू होने के बाद पंजाब, केरल और उसके बाद चौथा राज्य बंगाल बना है जिसने अपने राज्य में सीए का पूरे तौर पर विरोध किया है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये साफ किया गया है कि सीए के द्वारा देश के किसी नागरिक के अधिकार का कोई हनन नहीं होगा। इससे उन तमाम लोगों को, उन शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम किया जाएगा जो 2014 31 दिसंबर से पहले भारत आ चुके थे और नागरिकता के लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो कुल मिलाकर सीए लागू होने के बाद पहली बार 14 नागरिकों को देश की नागरिकता, शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी गई है और इसकी जानकारी गृह विभाग के द्वारा दी गई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं प्रिया। राजस्थान के झुंझुनू की एचसीएल खदान में हुआ बड़ा हादसा। लिफ्ट टूटने से खदान में फंसे 14 अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन कर खदान में फंसे लोगों को निकाला गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल। खेचरी से एक ऐसी खबर आती है जिससे पूरे देश भर और साथ ही राजस्थान के प्रदेश भर में सनसनी फैल जाती है। दरअसल 13 से 14 मई के बीच एक निरीक्षण खेचरी कॉरपोरेशन में चलता है जिसके बाद 15 ऐसे अधिकारी थे जो खेचरी कॉपर कमी कॉरपोरेशन उसमें पहुंचते हैं और वहां पर एक लिफ्ट में चढ़ते हैं। लिफ्ट को जैसे ही खदान में उतारा जाता है तो उसकी चेन टूट जाती है और चेन टूटने के बाद करीबन 875 फीट जाके वो 15 लोग गिरते हैं। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि उनके हाथ पैर सहित कई ऐसे अंग थे वो फ्रैक्चर हो गए और इसके बाद राजस्थान के तमाम अधिकारी उस मौके पर पहुंचते हैं और मौके का संज्ञान लेते हैं जिसमें पहले राउंड में करीबन 3 लोगों को निकाला जाता है और दूसरे राउंड में 5 और चौथे राउंड तीसरे राउंड में 2 लोगों को बाहर निकाला जाता है। करीबन ऐसे 10 लोगों को बाहर निकाला जाता है जिसमें से 4 लोगों को राजधानी जयपुर में रेफर किया जाता है और रेफर के बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन था वो जारी रखता है। अब इसके बाद उस खदान से एक ऐसी दुखद खबर सामने आती है कि उसके बाद भी जो 10 लोगों को निकाल लिया गया था जिसमें से 15 ऐसे लोग टोटल थे जिनमें से 5 को और निकालना था जिसमें से 4 तो सही सलामत वापस आ जाते हैं लेकिन एक था जिनकी मौत उस खदान में हो जाती है जिससे पूरे प्रदेश भर में मातम का माहौल है और जिससे कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो माइनिंग विभाग है वो इस तरह की कंपनियों पर जिस तरह की मशीनरियों में खामियां थी क्या उनको दुरुस्त करने में सफल हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शर्मा के साथ राहुल जांगेर झुंझुनू। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।